हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम शहाब है। कंप्लीट इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ, विजिट वीज़ा इतना रिस्की क्यों होता है। कभी कभी आप सुने होंगे या देखे होंगे, कुछ लोग विजिट वीज़ा लेकर के दूसरे कंट्री चले जाते हैं, GCC गल्फ कंट्री चले जाते हैं, जैसे सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत, ओमान, ऐसे कंट्री चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद कोशिश करते हैं कि मैं इंटरव्यू खुद ही देकर किसी दूसरे बड़े कंपनी में इस विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाऊँ। दूसरा कंडीशन ये है कि जॉब कंसल्टेंसीज वाले ने खुद ही आपको बोल देते हैं, वो खुद ही ऑफर करते हैं कि एक बड़ी कंपनी की वैकेंसी है, इसमें आप जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किसी कारण से नहीं है, आप विजिट वीज़ा पे जाइए, सारा कॉस्ट, सारा फी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सब कंपनी की है, आपको कुछ नहीं करना है। 3 महीने के अंदर में विजिट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे कंपनी इसको कन्वर्ट करा देगी और आप परमानेंट कंपनी के एम्प्लॉय हो जाएंगे। 2 कंडीशन होता है, एक मैं हम खुद ही लेकर जाते हैं और दूसरा कंपनी के द्वारा होता है। तो इतना रिस्की क्यों होता है? अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग जाते हैं विजिट वीज़ा पे, कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर में फिर वापस आ जाते हैं। तो इसका रेशियो आप देखेंगे, इसका डेटा अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग वापस आ जाते हैं, ये सक्सेस नहीं हो पाता है। कुछ परसेंट, 20% ही इसको आप सक्सेस मानिए और 80% फेलियर हो जाता है, बैक टू पेवेलियन, ये घर वापस हो जाता है लोगों का। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना रिस्की होता है? क्या आपको भी ये रिस्क उठाना चाहिए? क्या आपको भी जाना चाहिए विजिट वीज़ा से और वहाँ पर जाकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको कराना चाहिए? क्या है कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूँगा। कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगी। टाइम है, अभी देख लीजिए, नहीं तो बाद में भी देख सकते हैं अगर समय नहीं है आपके पास। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आप समझ जाएंगे कि क्या माजरा है, क्या मामला चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। होता क्या है कि कुछ एजेंट्स हैं, इसमें 2 तरह की बातें हैं। पहले मैं बात करता हूँ पहले वाले पॉइंट पर, कुछ एजेंट्स होते हैं, उनका कुछ आदमी वहाँ होता है, जो नॉर्मल एक एजेंट होते हैं, उनका कुछ आदमी दुबई में या कहीं सऊदी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको उसने भेज दिया, कंपनी बोलकर भेजा कि कंपनी में भेज रहे हैं, वहाँ पे या है, वाह है दिस डेट, आपने तो देखा नहीं है, उस पर ट्रस्ट कर लिया, पैसा दे दिया और बहुत ही हाई चार्ज वो करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा हाई चार्ज वो करते हैं और आपको भेज देते हैं। दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद होता क्या है कि उनका कोई एक आदमी होता है, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगा और ले अगर किसी रूम में रख देगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे और फिर आपके लिए जॉब सर्च करना वो शुरू कर देंगे। ठीक है, एक तो उसमें जेन्युइन होता है, फ्रॉड भी होता है। बहुत सारे एजेंट का यही काम है, वहाँ पर लेकर जाएंगे, रखेंगे 15 दिन 20 दिन, 1 महीने के बाद जो है आपका वीज़ा एक्सपायर होना शुरू हो जाएगा। अगर 3 महीने का वीज़ा है तो 3 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई बहाना लगा कर भेज देंगे। और दूसरा होता है कि वाकई वो जॉब सर्च करते हैं, लेकिन वो बड़े कंपनी में, किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है या मल्टीनेशनल नहीं भी है, कोई बड़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। ठीक है, वो कभी भी अपनी जॉब वैकेंसीज देते हैं किसी सही जॉब कंसल्टेंसीज में जो ऑथराइज्ड है और बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी वैकेंसीज आती है, ना कि विजिट वीज़ा वालों के लिए। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वो जॉब को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इस चक्कर में वापस आ जाते हैं। दूसरी बात, जॉब कंसल्टेंसीज वाले खुद ही भेजते हैं कि भाई आप चले जाओ और वहाँ जाने के बाद विजिट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ये सब कुछ कराने की जिम्मेदारी ये कंपनी की है। भाई अगर वो कंपनी ही है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्यों नहीं भेज देती है? चलो मान लेते हैं कोई कंडीशन है, कोई किसी कोई कंडीशन के कारण होता है, कभी कभी कोई रेयर कुछ ऐसा कंडीशन, गवर्नमेंट का कोई इशू होता है जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी इशू नहीं करती है, विजिट वीज़ा पे ही बुलाती है और यहाँ पर बुलाने के बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट कराती है, तो ऐसे में सक्सेस हो जाता है कुछ परसेंटेज, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि सक्सेस नहीं होता है। लोग घर वापस आ जाते हैं, पैसा उनका, टाइम वेस्ट हो जाता है और उस पैसे की कोई जवाबदेही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कोई एजेंट वाले या ऑफिस वाले। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको अगर पैनिक हैं, घबराए हुए हैं कि मुझे इमीडिएट जाना है, अभी जाना है, मुझे 1 महीने के अंदर फ्लाइट करनी है, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसी में लोग ट्रैप में आ जाते हैं। तो आपको कभी भी कोशिश करना है कि हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही जाएं। अगर विजिट वीज़ा पे जाते हैं, कोई जेन्युइन जो जॉब कंसल्टेंसीज है, कोई जेन्युइन जो ऑफिस है, लाइसेंस होल्डर है, अगर वो बोलती है, इस तरह का ऑफर करती है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इससे बचना चाहिए आपको। मेरा माने, मेरी सजेशन माने तो इससे बचिए, क्योंकि अक्सर ये फेलियर हो जाता है। वहाँ पर जाने के बाद कंपनी इस काम को नहीं कर पाती है, या एजेंट जो है, जो आपसे प्रॉमिस किए हुए हैं इंडिया के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में, जहाँ के भी एजेंट हैं, वो इस अपने प्रॉमिस पे
सीधा ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे एजेंट को मैंने देखा है जो बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं और यहाँ से लोगों को फ्लाइट में बैठा देते हैं। और पब्लिक की भी इसमें गलती है, हमारे आपके जैसे लोग हैं जो ट्राई स्ट्रगलर हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। वो इतना ज़्यादा पैनिक हुए होते हैं कि कब मैं कूद कर फ्लाइट में बैठ जाऊँ और प्लेन में बैठने के बाद उस पार चले जाऊँ। लेकिन उस पार जाना या फ्लाइट में बैठना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आपको सही जेन्युइन ऑफिस मिलना चाहिए, जेन्युइन तरीके से काम होना चाहिए और जेन्युइन सही कंपनी में आप पहुंच जाते हैं, इसी में आपकी सही सक्सेस है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस बीच में अगर थोड़ा भी अगर आपने डाइवर्ट किया अपने प्लानिंग को, अगर आपने डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं कराया, डाइवर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इट मीन्स कि क्या कहीं जाकर फंस जाएंगे आप, आपका पैसा पासपोर्ट सब वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद सही तरीके से काम नहीं मिल पाना किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में, यही विजिट वीज़ा का फेलियर होता है जिसके कारण आप वापस आ जाते हैं, क्योंकि उतनी पहुंच नहीं होती है एजेंट के पास, या एजेंट का कोई आदमी है, कोई बंदा है वहाँ पे यूएई के अंदर में, सऊदी के अंदर में, तो वहाँ पे वो काम नहीं दिला सकता है। जीसीसी के अंदर में कोई है तो वहाँ उसकी पहुँच नहीं है, वो लोग बस छोटे मोटे जो कफिल है, मुसासा है, इस तरह के जो लोकल बेस पे जो कंपनी बना के बैठे हुए हैं, 50-60 आदमी, 100 आदमी का कुछ एक ग्रुप है, कुछ खेती का काम है, वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे काम करना सेफ नहीं है, क्योंकि कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। कभी भी आप जेन्युइन कंपनी में, बड़ी कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ऐसे कंपनी में आप जाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे कंपनी में आप जाते हैं तो सेफ रहेंगे। अगर 1% अगर कोई बोलता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल आपका आदमी है, या कोई बड़े ऑफिस वाले बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही आप रिस्क लीजिए। अदरवाइज चलते फिरते कोई भी आदमी नहीं भेज सकता है आपको, भेज दिया तो फंस जाएंगे आप। अपना पैसा, अपना टाइम बचा लीजिए। इसीलिए विजिट वीज़ा इतना रिस्की होता है, जॉब के अभाव में, कंपनी में रीच नहीं है उनकी, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी बड़े कंपनी में जाकर आपको काम पे लगा दें। और जो बड़ी ऑफिसेज होती है, बड़ी कंपनी की वैकेंसीज उन्हीं के पास आती है, वहाँ से काम कराइए, क्या प्रॉब्लम है। विजिट वीज़ा का जो डिसीजन है चेंज कर दीजिए। जाना है तो कैसे जाना है आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से जाएंगे तो विजिट वीज़ा पे आप सक्सेस हो जाएंगे, अदरवाइज आपको फंसने से कोई नहीं बचा सकता है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं करियर के रिगार्डिंग, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग हर तरह की वीडियो देता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपना ध्यान रखिए।